अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? यकीनन खुश होंगे। अल्लाह में आप लोगों को सेहतमंद और सलामत रखे, अपने अपने खुश घरों में आबाद रखे। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान की आमद आमद है, तो आप ख़वातीन पे काम का बर्डन किस कदर बढ़ चुका है। सफाइयों वफाइयों में लगे हुए हैं कि भाई अब ये मैंने धोए थे अपने सोफ़ों के कवर, तो मैंने कहा इन सोफ़ों को के कवर में अब चढ़ा दूँ ना, तो मैं इनके सोफ़ों की कवर चढ़ा रही थी और मुझसे अकेले से चढ़ नहीं रहे थे। मैं कोशिश में लगी थी, क्योंकि दो बंदे होते हैं फिर सही से अच्छी तरीके से चढ़ जाते हैं, तो मैं उसको चढ़ाने की कोशिश कर रही थी और माशाल्लाह से कि मुझसे सही चढ़ गए। और ये है कि मैंने कहा कुशन वुशन धो लूँ, और पर्दे धोए थे, पर्दों मैंने पिछले हफ्ते धोए थे, इस हफ्ते मैंने कुशन वगैरह धोए थे। मोहम्मद अहमद की आज छुट्टी थी, मोहम्मद अहमद सुबह जल्दी उठ गए थे और अब मोहम्मद अहमद सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये सोया हुआ है तो हम लोग जल्दी जल्दी सफाइयाँ कर लें। सबको ही लगाया हुआ था काम पे, मैंने कहा सब। हाँ, मुझे भी लगाया हुआ था, मैं तो थक गई थी। हाँ, सब लगे हुए थे काम में। इसके इनके पापा भी आ गए थे, तो मैंने कहा आप है ना, ये मैंने ये पिछले हफ्ते धोए थे तो हल्की किसी मट्टी सी आ रही थी, मैंने कहा इसको आप साफ़ कर लें, क्योंकि डस्ट इतनी आती है, बहुत मट्टी आती है, और ये उसको साफ़ अगर करें नहीं ना, तो मैं शोर भी की जा रही थी कि जिसको नज़र आए ना सब कपड़ा लेके हल्के हल्के डस्टिंग करते रहा करो, किसी एक बंदे में मत डाला करो, मैंने कहा सब लग जाया करो। आज तो मम्मा हमारे पीछे लग गई थी। हाँ, आज थी सबकी क्लास का दिन, आज सबकी क्लास हो रही थी। अनाबिया तो बच जाती है, क्योंकि उसके तो बड़ा टफ टाइम चल रहा है, वो तो पढ़ाई में इतनी मसरूफ़ रहती है, ट्यूशन जाना, स्कूल जाना, अपना बड़ी वो मसरूफ़ रहती है, तो वो तो हर वक्त कहती है बस मुझे, मैंने अब आ गई ट्यूशन से, अब मैं सोऊंगी, अब मैं यूँ करूँगी, बस उसका तो यही रहता है बस। इसलिए अनाबिया हमारे ज़रा सामने व्लॉग में ज़रा कमी नज़र आती है। और ये कि ना अभी हम मैंने कहा चलो डस्टिंग वस्टिंग कर ली है, तो मैंने कहा आज मेरा इरादा था कि आज मैं पकोड़ों वाला रायता बनाऊं, क्योंकि ये मेरी अम्मी बनाया करती थी और बहुत मज़े का लगता है। लेकिन ये क्या होता है मम्मा, पकोड़ों वाला रायता? हाँ, खाओगे ना पता चलेगा, बहुत मज़े का होता है। आज मेरा इरादा था वो बनाने का। इसके पापा को भी मैंने कहा था, अभी तक मैंने बनाया ही नहीं ना, तो मैंने अम्मी के हाथ के मैंने खाए हुए, मैंने अभी तक शादी के बाद नहीं बनाए, तो मैंने कहा आज हमने तो नहीं खाया अभी तक। हाँ, बस आज मेरा इरादा हो रहा था कि मैं आज ये बनाऊँ। यहाँ पर मैं देखें तकरीबन मेरे पास ये 2 कप बेसन है, 2 कप बेसन में मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा नमक, और है ना थोड़ा बस नमक और ज़ीरा, और थोड़ा सा मैं ना एक चुटकी बेकिंग पाउडर डालूँगी जब जिस वक्त मैं बनाने लगूँगी उस वक्त डालूँगी, ठीक है। यहाँ मैं ले लेती हूँ पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम जिस तरीके से गूंथते हैं वो गोलते हैं अपना ये बेसन, उसी तरीके से गोल लेंगे। मैं गोल लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, बस हमें इतनी इसमें थिकनेस चाहिए। मैंने इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से किया है, क्योंकि ये अच्छा तरीके से फ्लफ़ी हो जाए। ये हम बना रहे हैं भगारे वाला रायता, जिसमें हम बेसन के पकोड़े डालेंगे। और अब आप रेसिपी देखते रहिएगा, देखिएगा ज़बरदस्त रेसिपी है, और गर्मियों में बड़ी ज़बरदस्त लगती है ये रेसिपी ना। ये देखिए ज़बरदस्त है। यहाँ देखें मैंने पैन चढ़ा दिया, और ये है कि इसमें अब मैं डालूँगी यहाँ देखिए मैंने पकोड़े डाल दिए हैं,
ये देखें ज़बरदस्त पकोड़े बन गए, बन रहे हैं। एक बैच मैंने डाल दिया, फिर मैं दूसरा बैच डालूंगी। देखें ज़बरदस्त, आज मैं खुद ही बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि फातिमा जो है वो मोहम्मद को पढ़ा रही हैं, क्योंकि मोहम्मद अहमद के पेपर शुरू हो चुके हैं। इतने अच्छे माशाल्लाह से ये फूल रहे हैं, ये देखें, ये माशाल्लाह से इतने अच्छे फूल गए हैं। यहाँ मैंने एक बैच उतार दिया है, अब दूसरा बैच मैंने डाल दिया है, और माशाल्लाह इतने सॉफ्ट और बहुत अच्छे बने, क्योंकि बेकिंग पाउडर डाल दो ना तो बड़े ही अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं। और यहाँ देखिए, मैंने उसके ग्रीन चटनी के लिए मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें पीस ली थी, और पीसने के बाद मैंने इसके बाद मैंने जी यहाँ मैंने भगार के लिए पैन चढ़ा दिया था, पैन में तेल डाल दिया था और भगार की तैयारी शुरू कर दी थी, इसके लिए मैंने सही है कैमरे को बुलाएं डाल दिया। यहाँ हम थोड़ी सी प्याज डाल देंगे, यहाँ हम अपने कड़ी पत्ते डाल देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे, और ये हम लाल मिर्च तो अच्छा सा हम लाल होने देते हैं, हम पीछे हट जाएं। ये देखिए, ये मैंने ग्रीन रायता जो है मैंने इसके अंदर मिक्स कर, वो ग्रीन चटनी जो है मैंने बनाई थी वो इसके अंदर मिक्स कर दी है, और यहाँ मैंने दही बड़ों में पानी डाल के, यानी कि जो वो ठंडे किए थे ना, ठंडे करने के बाद रूम टेम्परेचर पे आके फिर मैंने इसको पानी में डाल दिया था, ठीक है। यहाँ मेरा देखें भगार भी तैयार हो रहा है, ये देखें मेरा भगार तैयार हो रहा है। यहाँ मैं अब इसको प्रेस कर करके दही बड़ों को इसके अंदर डालती हूँ, दोनों हाथों से प्रेस कर लेंगे, दोनों हाथों से प्रेस करेंगे। अभी मैं आपको, मेरा एक हाथ है, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ, सही है, मैं दोनों हाथों से प्रेस कर करके इसमें डालती हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त ज़बरदस्त है, ये हमारा ग्रीन रायता रेडी हो गया। ये देखिए इसका भगार कितना ज़बरदस्त, वो पकौड़ों वाला रायता तैयार हो चुका है, ज़बरदस्त। ये देखिए क्या इसकी शक्ल आई है, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। ये थोड़ा सा दूर दूर कर देते हैं, ये रोटी के साथ खाते हैं, जब मैं काम करती हूँ ना, जब उस वक्त कोई नहीं होता, जब मैं खाना खाने बैठती हूँ ना, सब आ जाते हैं एक एक करके। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, रायते का भी मजा आ रहा है, दही बड़े का भी जायका आ रहा है, डालो जबरदस्त। लड़की वाले घरों में तो ये स्पेशली ये चीज खट्टा खट्टा रहता है, दही बड़ों वाला मजे का लगता है। आप लोग बताएं, आवाज निकाल लें, आवाज आ जाए, बहुत मजेदार बना, एकदम चेंज डिश, नई डिश है और फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, वाकई बहुत मजे का बना, और आगे भी बना सकते हैं रमजान के लिए, अफ्तारी के टाइम के लिए भी जबरदस्त चीज है। रमज़ान के हवाले से ये रेसिपी बहुत अच्छी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा इफ्तारी में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।